वीर तेजाजी जाट समाज समिति द्वारा आज एसपी कार्यालय पहुंचकर समाजजनों ने फिल्म पानीपत को बंद करवाने की मांग की। जाट समाज अध्यक्ष समीप चौधरी ने बताया कि पानीपत मूवी में इतिहास के महाराजा सूरजमल की भूमिका के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन पर गलत टिप्पणी की गई है। जो दृश्य फिल्म में दिखाए गए हैं वह गलत हैं। अगर सिनेमा हॉल में फिल्म को बंद नहीं करवाया गया तो जाट समाज चेतावनी देता है कि हम सभी उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। इसकी जवाबदारी स्वयं प्रशासन की होगी। पानीपत पिक्चर जो अभी दर्शाई गई है, पिक्चर लगी है, इसके अंदर हमारे महाराजा सूरजमल जी के खिलाफ जो टिप्पणी दी गई है, दर्शाया गया है इसमें जो कुछ सीन, उसके खिलाफ हमने ये ज्ञापन दिया है और इसको जल्द से जल्द इस मूवी को बंद की जाए, वरना जाट समाज के अंदर इतना आक्रोश देखने को मिलेगा कि प्रशासन भी उसको नहीं संभाल पाए। उसमें दर्शाया गया है, उसमें जो महाराजा सूरजमल जी को उसमें नीचे दिखाया गया है, इन्होंने महाराणा मराठा परिवार और मुगलों को ऊपर बताया गया, जबकि मराठाओं की और मुगलों की उन्होंने मदद करी थी और उन्होंने उनको 6 महीने की पनाह भी दी थी। सर, जो अभी पिक्चर बनाई गई है पानीपत की, उसके अंदर हमारे राजा महाराजा सूरजमल जी जो थे उनका इतिहास गवाह है। उन्होंने मुगलों को सब कुछ मारा भगाया और किलों पर राज कराया। उन्होंने कभी अपने सीने पे गोली नहीं खाई है और उन्होंने देश के प्रति आंदोलन करा है। उसके खिलाफ जो इन्होंने बनाया है, उसको फिल्म का जो सीन दर्शाया है वो गलत दर्शाया है। हम ये चाहते हैं कि जो हकीकत है आप हकीकत बताइए, हम आपके साथ हैं। बाकी इस टाइप का अगर गलत बता के और हमारे समाज को या हमारे राजा महाराजाओं को आप प्रताड़ित कर दोगे तो वो हम सहन नहीं कर पाएंगे। इस विरोध में हमने आज ये ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि फिल्म जल्द से जल्द। जाट समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन का आशय ये है कि कोई फिल्म बनाई है पानीपत। उनका कहना है कि राजा सूरजमल है, उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है, तो इसलिए जो है इस फिल्म के कुछ दृश्य जो है वो आपत्तिजनक है। इस आशय का उन्होंने एक ज्ञापन दिया है सर। अब उन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के बाद कानून व्यवस्था और ये सब की स्थितियों के बारे में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा भी करेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट।